क्या फ़ोन लेते समय आपने कभी सार वैल्यू चेक की है? क्या है ये सार वैल्यू, क्यों हमें इसे चेक करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं? तो आज हम करेंगे इसी पे बात, क्या है सार वैल्यू और किस तरीके से आप इसे अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं। सार वैल्यू मैं आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो जो सिग्नल आ रहा है वो आपके टावर से आ रहा है, तो टावर से जो सिग्नल आएगा वो आपका फ़ोन कैप्चर करेगा, फिर आप उससे बात करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर तक बात करेंगे तो आपका जो वो एरिया, जो टिश्यूज़ रहेंगे वो डैमेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते कि फोन से जो हमारा जो टावर है वहां से आया सिग्नल से हमारे फोन में हमारा फोन में जो है सार वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो हमारे जो सेल्स हैं उसे ज्यादा जो है डैमेज करेगा हमारी बॉडी के। तो इस वजह से जो है हमें जो है सार वैल्यू वो कम रखनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो इसकी लिमिट है आप देख सकते हैं 1.6 WKG है। तो अब हम देख लेते हैं कि आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन में कि क्या आपके फ़ोन की सार वैल्यू है। तो हम चेक करके दिखाएंगे इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 टर्बो मोबाइल फ़ोन के अंदर। आपको क्या करना है, उसके डायल पैड पे आ जाना है, उसके ऊपर आपको जाके सिलेक्ट करना है, आपको कीपैड दबाना है *#07#। जैसे ही आप *#07# आप दबा देंगे वो आपकी जो सार वैल्यू है वो निकल के सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 0.71 और आपका जो है WKG आपका जो है 1G से कम है। आपका उसका जो नीचे वाला बॉडी का और एक हेड का अलग अलग डिवाइड है, तो आप देख सकते हैं आपका जो हेड का है 0.865 WKG है, यानी 1G से ज़्यादा नहीं है, आपका कम है। तो आपका जो बॉडी का जो है वो भी सही है और आपका जो हेड का है ये भी सही है, मतलब ये जो है आपका लिमिट में है। बाकी काफ़ी सारे फ़ोन्स होते हैं जिसके अंदर 1.6 जो आपकी लिमिट है उससे आगे रहते हैं, तो आपको वो फ़ोन यूज़ नहीं करना है। देखिए प्रॉब्लम तो है, अगर ये जो छोटा सा भी आपको दिखाई दे रहा जो 1.6 से नीचे है या आपका जो भी है जिससे कम भी है तो वो भी आपको प्रॉब्लम तो देगा बट कम देगा। एक लिमिटेशंस गवर्नमेंट ने बनाई है तो उस लिमिटेशंस के अंदर जो फोन है वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।